अजीब शान फंक्शन आपके लिए अरेंज किया गया और कुदरत अपनी पूरी खूबसूरती के साथ आज बरस भी रही है। मौसम खुशगवार है और जरा रोमांटिक भी। तो इस खूबसूरती में इस डिनर के अंदर ये एक इजाफा है कि यहाँ पर जिस कदर खूबसूरत ये शाम सजाई गई है उसी तरह खूबसूरत अंदाज में ये शाम मनाई भी जाएगी। पहले आप तमाम दोस्तों को खाना सर्व किया जाएगा और उसके बाद आपके लिए बहुत से देखने के लिए महसूस होने के लिए प्रोग्राम्स हैं जिनकी तरतीब बाद में अनाउंस करूंगा। तो अब आपने के लिए आगाज करेंगे तिलावत कलाम पाक से। मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज अनीस मुतालिम साल दोयम तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाएं। हाफिज अनीस أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह। तिलावत कलाम पाक आपने समात फरमाई यकीनन बायस तस्कीन कल्ब रूह बता की चोटियों से उठने वाले नूर ने चार दांग आलम में जो रोशनी फैलाई अमन व आश्ती की तहजीब व शाइस्तगी की। आज सदियों गुजरने के बाद भी वो फैज़ और नूर जारी है। तो तारीफ़ महबूब खुदा के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब शहजाद साहब से कि वो आएँ और गुलहाय अकीदत नजराना है सरवर कौनैन पेश करें। बख्शीश का मेरी दोस्त तो सामान हो गया। बख्शीश का मेरी दोस्त तो मेहमान हो गया।
मेहमान हो गया। पढ़ने जी साहिबान जी वकार आपने नात शरीफ समाप्त फरमाई। कहने वाले कहते हैं कि जब कोई ऐसी रुत हो जिसमें आपको सोहबत हम नफसा, आपको सोहबत यारा नसीब हो तो वही ईद होती है। ख्वाजा गुलाम फरीद अलैह रहमा से किसी ने दरियाफ्त किया कि ख्वाजा साहब ईद कदा, ख्वाजा गुलाम फरीद आख्या से यार मिले चले, तो ये ईद है जब आप मिल बैठे हैं, यही शब रात है जब आप अपने हम नफसों में अपनी खुशी से शामिल हैं। तो हमारा जो अगला इवेंट अभी शुरू होने वाला है वो इस मुल्क के मायानाज फनकार हैं, हमारे बड़े मेहरबान दोस्त हैं, अपनी खराबी सेहत के बावजूद हमारी दरख्वास्त पे वो तशरीफ़ लाए, यकीनन मेरी मुराद मलिक गुलाम फरीद कनेरा साहब। तो अलगुर्ज़े की धुन पे वो जिस तरह से उन तमाम लोगों को जो जीवन की हकीकत को समझते हैं और जीवन की हकीकत के साथ उनकी रूह, उनका जिस्म, उनके पांव थरकते हैं और हवा के दोष पे चलती आवाज़ों की तरह लहराते हैं, या किसी भी बरसात या बहार की हवा में पौधे कलियां फूल जिस अदा से लहराते हैं, उसी अदा से आप अभी लहराता हुआ रक्स करता हुआ देखेंगे। तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मलिक गुलाम फरीद कनेरा से और उनके साथियों से जो अपनी मोहब्बतों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो जब तक ये लज़त कामो दहन उधर से शुरू होता है और इधर से ये साजो आहंग भी, तो ये सुरताल थोड़ा इसमें और भी मेल पैदा करेगा मेरे ख्याल में, लज़त कामो दहन को ये दो आतशा कर देगा और ऊपर से मौसम भी माशाल्लाह कुछ इसी नौ का है। तो सो अजीज़ शाहिद के इस शेर के साथ मैं मलिक साहब से मुल्तमिस हूँ कि इतना नादिम न थी अपनी कहीं गालते, मेरे कहीं हालते, सिर झुका के न टुर, मुंह लुका के न टुर, मेरा जीवन की हाँ मेरे जींदे जकर तेरी कामत कयामत को खम आवजे। सही मलिक गुलाम फरीद कनेरा।
खुदा अर्शे अजीम मेरे गवाह रहना कि मैंने तुझसे हयात अब्दी की नेमतों का सवाल हरगज नहीं किया है। तेरी जमीन पर मेरे जमाने ने तुझसे मांगा तो सिर्फ इतना कि लाश टुकड़ों में घर ना आए, कि माएं बच्चों पे बैन कर लें, जो चादरें जिस्म ढांपती हैं वो झोलियों में बदल ना जाएं, कि बहने लुकमा तलाश करने गली से आगे निकल ना जाएं। तेरे मोहम्मद का नाम सुनकर जो अपने हाथों को चूमती है वो नस्ल बिल्कुल ही मिट ना जाए। खुदा अर्शे अजीम मेरे मेरी दुआ को कबूलियत का शरफ अता कर, अगर ये मुमकिन नहीं रहा तो इससे बेहतर कोई दुआ है अता कर। तो हजरात ज़ीबाकार, आज का ये बावकार डिनर जिसका इंतजाम आपके सामने, जिसकी लाइटिंग से ज्यादा दमकते हुए चेहरे मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं, जिसकी खूबसूरती यकीनन आपके लिए, लेकिन आपकी शान और शौकत इससे कहीं ज्यादा, इस सब के बावजूद ये क्रेडिट हम दिन रात एक कर लें उसके बावजूद भी उस थकन की मुसाफत को तय नहीं कर पाते, तो इम्तियाज रशीद साहब करते हैं कि हमसे ज्यादा हम सिर्फ एक कमरे में बंद चंद चीजों को तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन ये रंगारंग महफिल सजाने में सर तोड़ कोशिश सुबह से लेकर शाम तक एक एक चीज का चेक एंड बैलेंस करने के लिए जिस तरह की कोशिश की गई आपके सामने है। अगर आपको पसंद है तो जोरदार तालियों से जवाब दीजिएगा। और ये इतने बड़े खाने का एहतमाम, आप गवाह हैं कि किसी से भी एक रुपया भी नहीं लिया गया, सारे का सारा इंतजाम इम्तियाज रशीद साहब ने अपनी जेब से किया है, तो इस क्रेडिट के लिए भी जोरदार तालियां बनती है। तो उम्मतों की आबियारी करने वाला ये मुस्लिम कॉलेज जहां आपके मुस्तकबिल को बना रहा है, जहां कई नस्लों के मुस्तकबिल को बना चुका है, जहां आने वालों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हमारा वक्त तैयार टीम लिए बैठा है, वहीं आपके लिए इस तरह के इवेंट सजाकर दुनिया को पैगाम भी देता है कि तालीम के साथ साथ जो चीजें तलबा की रहनुमाई के लिए, उनकी इंटरटेनमेंट के लिए जरूरी होती है, उसका ख्याल भी मुस्लिम कॉलेज रखता है। और मुस्लिम कॉलेज के दो साल में आपने जो सीखा यकीनन उम्र भर के तजुर्बे से ज्यादा होगा। अगर आपको मुस्लिम कॉलेज के दो साल याद है और याद रहेंगे तो जोरदार तालियों से जवाब दीजिएगा कि आपने मुस्लिम कॉलेज में कितना एंजॉय किया है। और हमारे दरमियान इस वक्त जो शख्सियात मौजूद हैं, फर्दन फर्दन तारुफ तो मैं नहीं करवा सकता कि ये सितारे मेरे लफ्जों से कहीं ज्यादा रोशन हैं, ये चेहरे मेरी दानिश्त में किसी मुश्तरी से कहीं बड़े हैं, किसी मरीख से कहीं बड़े हैं, लेकिन इनकी असमत के लिए अगर आप हाथों को उठाकर तालियां बजा देंगे तो मैं यकीन मानूंगा कि ये मोहब्बत लाजवाल है। निहायत मुबारकबाद के मुस्तहक इदारा हाजा के बानी मोहसिन मुस्लिम मोहसिन उम्मत, मेरी मुराद जनाब सलीम तौसवी साहब से है, बहुत निहायत मुबारकबाद के मुस्तहक कि उनका लगाया हुआ पौधा आज परवान चढ़ चुका और उम्मतों की आबियारी कर रहा है। और निहायत मुबारकबाद के मुस्तहक मेरे लिए हमेशा एक ऐसी शख्सियत के जिनसे मुतासिर होकर मुस्लिम कॉलेज आया और उनका मुतासिर हूँ कि आज भी उनके सामने खड़ा हूँ, लेकिन लफ्ज उनके लिए बोलते हुए लफ्ज अपना दामन मेरे हाथ में नहीं थमाते और मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है, लेकिन तारुफ के लिए इतना ही काफी है कि जिंद और जान भी है और मोहब्बत का आसमान भी है। मेरी मुराद मेरे मोहसिन मेरे अजीज उस्ताद मोहतरम नईम आरफ साहब, जोरदार ताली है जरा। तो
क्यों ना आपके लिए एक शानदार तकरीब का आगाज किया जाए। अगर चाहते हैं तो आवाज से जरा आवाज निकाल के अच्छा मेरे ख्याल में ये राइट साइड वालों की आवाज कम है, जरा राइट साइड वाले आवाज निकालिए और लेफ्ट साइड वाले दोनों मिला के, तो फिर आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर रिवायती रक्स लेकर आ रहे हैं हमारे पख्तून भाई। तो पख्तून अत्तर के लिए जोरदार तालियां। सड़े दिखे दी पर सड़े दिखे दी पर पचोरा।
तशरीफ रखें। तमाम स्टूडेंट्स अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। हजरत जी बकार, अगर मैं शायर होता तो हरूफे बेतरतीब को पैकरे सुखन देता, मुसव्विर होता तो एक शाहकार तराशता, मुसन्निफ होता तो अल्फ लैल की दास्ताने रख करता, मुकर्रर होता तो खिताबत के बेदरेक जौहर लुटाता। लेकिन ना मैं शायर हूँ, ना मुकर्रर, ना मुसव्विर। लेकिन एक ऐसी हस्ती को आपके सामने खड़ा करना चाहता हूँ कि जिनके लगाए हुए पौधे आज तनावर और शतनार दरख्त बन चुके हैं, जिनकी मेहनत का समर आज उम्मतें खा रही है, और जिनकी बदौलत आज ये महफिल सजी हुई है, जिनकी बदौलत आज ये तवानाइयां उम्मतों तक मुंतकिल की जा रही हैं, और वो ज़ेवर इल्म से आरास्ता हो रहे हैं। मेरी मुराद है इदारा हाजा के बानी, आपकी तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर तालियों से इस्तकबाल करेंगे जनाबे मोहतरम सलीम तौसी साहब। अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। यकीनन ये एक ऐसा बड़ा काम है जो शायद अकेला शख्स कभी भी कर नहीं सकता, लेकिन एक मेहनत का नतीजा है कि आज ये एक खूबसूरत बज़्म भी सजी और एक मादरे इल्मी वजूद में आई, जिससे जो इंतकाने इल्म फैजयाब हो रहे हैं। मेरे नहायत काबिल एहतराम, मेरे अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसहाक फानी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, और हमारे दोस्त मोहतरम शेख रफीक साहब, और मेरे भाई चौधरी इकराम साहब गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं, और उनकी पूरी टीम यहाँ तशरीफ़ लाई है। इस साइड पे मलिक अल्ताफ़ रही साहब बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, और अजीज़ तलबा, अगर आप दो मिनट खामोशी से सुन लें। आज मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, आजकल के जो हालात हैं उन हालात हाजरा पर थोड़ी सी आपको नसीहत करूंगा। हमेशा जो सेकेंड ईयर जाती है, हमारी दुआएं तो उनके साथ होती हैं, लेकिन हम उनको हमेशा नसीहत करते हैं कि बेटे आपने मेहनत करके इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत करनी है। लेकिन अब थोड़ा सा नज़रिया चेंज हो रहा है, अब हम अपने बच्चों को भी और आपको भी यही नसीहत करते हैं कि बेटे मेहनत करो, और मेहनत के बाद आप किसी ऐसी सेफ जगह पर तशरीफ ले जाओ ताकि आपकी ज़िंदगी संवर जाए। मेरी मुराद ये है कि आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाओ, वहाँ आपको ज़्यादा बेहतर जॉब्स भी मिल जाएंगी, और जितनी आप मेहनत करेंगे उसका आपको समर भी मिलेगा। आजकल बेटे आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या हालात गुजर रहे हैं। हमारे मुल्क में अमन नहीं है, उसकी वजह यही है कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मसाइल हैं। हमारे यहाँ हम अपने आप को ठीक समझते हैं और बाकी सबको गलत, हम अपने नजरिए को सब पे ठोसना चाहते हैं, ये बात गलत है। मेरा किसी से इख्तलाफ तो हो सकता है, मैं आपको छोटी सी मिसाल अपने इस इदारे की दे देता हूँ। आप सब पढ़ते हैं, असाज़ा भी हैं, आप का इख्तलाफ प्रोफेसर से भी हो सकता है, आपका इख्तलाफ इंतजामिया से भी हो सकता है, आपका इख्तलाफ यहाँ
प्रिंसिपल से भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप अपने इस इख्तलाफ की बिना पर इस कॉलेज के पौधे काटना शुरू कर दें, कमरे गिराना शुरू कर दें या कोई और नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, ये कतन मुनासिब नहीं है। इसी तरह हम मुख्तलिफ इदारों से एज ए पाकिस्तानी इख्तलाफ तो कर सकते हैं, यकीनन हर किसी की अपनी राय है, वो इख्तलाफ ज़रूर करे, उसको हक है इख्तलाफ का, लेकिन हम फौज से इख्तलाफ कर सकते हैं, हम पार्लियामेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं, हम अदलिया से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम अपने मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, ये कतन मुनासिब नहीं। और 75 साल से यकीन करो कि इसी इख्तलाफ की बिना पर दुनिया में वकुआ किसी और जगह होता है, फलस्तीन में होता है, इराक में होता है, लेकिन हमारी आवाम यहाँ पाकिस्तान में अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाती है। अब बताओ 75 साल से हम कर्ज ले रहे हैं और हमारी आवाम हमारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रही है, जला रही है, और हम कर्जा लेके अपने वसाइल इस्तेमाल करके फिर वो चीजें लेते हैं। 75 साल से मुसलसल यही हो रहा है, और अब हमें इतना समझ जाना चाहिए कि इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन हमें अपनी इमलाक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बेटे आप देखते हैं, अगर पुलिस की गाड़ी चलाई जाती है दोबारा, अगर पुलिस की गाड़ी लेंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो हम टैक्स जो पे करेंगे उसी टैक्स के पैसे से दोबारा वो चीजें ली जाएंगी। ये कौन सी समझदारी है कि हम खुद ही अपनी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं आपसे जाने वाले बच्चों से खसूसन नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि आप भला किसी भी नजरियाती पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी हवाले से हैं, लेकिन आप एक बात जरूर देख लें कि हमारे जितने भी सियासी पार्टियों के सरबराह हैं उनके अपने बच्चे कहाँ हैं, हम क्यों इस्तेमाल होते हैं। हाँ हमारा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हमें चाहिए हम उन्हें कहें कि पहले अपने बच्चे आगे ले आओ, उसके बाद हमें इस्तेमाल करो। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आजकल आपने देखा है पिछले दिनों एक वाकया रूनुमा हुआ, उस वाकये की वजह से कितनी माएं परेशान हैं, कितने वालदैन परेशान हैं, कितने खानदान परेशान हैं, वो इस जज्बाती वाकये की वजह से। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो, हरगिज इस्तेमाल ना हो, बल्कि आप मुस्बत और पॉजिटिव सोच के साथ अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने खानदान के लिए आप कोशिश करें। और उम्मीद है, बारिश शुरू हो गई है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आएगी कि आप किसी जगह किसी भी अपने मुल्क की किसी एक भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेटे उसकी कीमत फिर हमने खुद अदा करनी है, उसकी कीमत हमने खुद अदा करनी है, वो हमें फिर खुद ही बनानी है। लिहाजा ये कौन सी समझदारी है कि एक दफा तोड़ दे फिर कर्जा लेके उसको जोड़े। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो नौजवान हमारे जा रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि आप मेहनत करें, आप पढ़ें, और अगर बेहतर आपके वसायल आपको इजाजत देते हैं, आप मेहनत करें, आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं, आप बाहर जाएं, अपने खानदान को सेट करें, खुद सेट हूं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप पॉजिटिव सोचेंगे, अपने लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, गलतियां वहां इंसान बैठे हैं, गलतियां सारे करते होंगे, लेकिन किसी एक आदमी की गलती की वजह से, किसी चंद आदमी की गलती की वजह से हम कभी भी अपने मुल्क की किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं। आप ये वादा करके जाएं और इंशाल्लाह देखें कि हमारा मुल्क किस तरीके से बेहतर अंदाज में वो करेगा। दूसरी एक बात मैं और लास्ट बात कहना चाहूंगा कि फलस्तीन में कोई झगड़ा होता है इसराइल का, इराक में कोई मसला होता है, जलाओ घिराओ हम यहाँ शुरू कर देते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि कभी हमारे 56 इस्लामी मुल्क हैं तकरीबन, कोई ऐसा मुल्क है जो हमें पाकिस्तानियों को सिटीजनशिप दे दे, शहरियत दे दे और कहे कि आ जाओ, या किसी और मुसलमान
जो गरीब है उनको पनाह दे दे, ऐसा कोई भी नहीं है। हम सऊदी अरब को अपना खैर खा समझते हैं, लेकिन वहां भी यही पोजीशन है कि जितने 40 साल रहे, 50 साल करें, मजदूरी करेंगे, मेहनत ही करेंगे और कफील वो ही रहेंगे। लेकिन इससे बेहतर तो वो गैर मुल्क है, गैर मुस्लिम है, जहाँ 5-7 साल अगर आप उनके कानून को अगर उनको फॉलो करते हैं तो वो आपको उसी तरह हक देते हैं जिस तरह उनके वहाँ रहने वाले बंधु का है। लिहाजा थोड़ी सी आप सोच को बदलें और अपने उसके लिए बेहतर करें, मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा। और आखिर में दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, जो आप इम्तिहान दे रहे हैं उसमें भी और जो आपने इम्तिहान देना है उसमें भी, आपको अल्लाह पाक तमाम इम्तिहानों में कामयाब करे। शुक्रिया बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद अरशद, मुस्लिम ग्रुप के मीडिया सेल से आए हैं। इस वक्त हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने इस टेन्योर में, 2 साल टेन्योर में क्या सब आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शिराज। हाँ शिराज भाई, सेकेंड ईयर कम्प्लीट कर लिया आपने? जी, सेकेंड ईयर कम्प्लीट कर लिया। अपने इस 2 साल टेन्योर में जो आपने यहाँ पे गुजारा मुस्लिम कॉलेज में, कैसा फील किया आपने? बहुत अच्छा फील किया और हॉस्टल लाइफ को बहुत इंजॉय किया हमने। यहाँ पर जो मैंने 2 साल टेन्योर जो गुजारा है, मैंने बेसिकली मैंने 4 साल गुजारे हैं यहाँ। मैट्रिक भी यहीं से किया और इंटर भी यहीं से किया है। और यहाँ जो एक बेसिकली बात है, कोई मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो आते हैं, मुख्तलिफ दोस्त जो मिलते हैं, उनसे मिलने का एक मौका मिलता है अच्छा, और उनसे बातचीत करने का, और मुख्तलिफ लैंग्वेज के बच्चे होते हैं और उनके साथ मेल जोल करने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है यहाँ। जाते हुए मुस्लिम ग्रुप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम ग्रुप एक बहुत ही अच्छा इदारा है और यहाँ रहने के लिए यहाँ बच्चों को किसी भी तकलीफ़ का कोई सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ कोऑपरेटिव स्टाफ, हर चीज़ अच्छी होती है। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम? मोहम्मद उमर जी। उमर भाई, मुस्लिम ग्रुप के इस कॉलेज में आपने जो अरसा गुजारा है उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इससे काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं, 4 साल से यहीं पे हूँ, तो इसलिए अब जाते हुए ना थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। 4 साल तो पता ही नहीं चला वक्त गुजरते हुए कि भाई 4 साल अरसा पलक झपकते में गुजर गया है, लेकिन अब जाने का दिन आ गए हैं। तो परसों आखिरी पेपर है, फिर जिंदगी रही तो आप मुस्लिम में चक्कर लगेगा। क्या नाम है? हुसैन अफसर। क्या कहेंगे? यही कि यहाँ 2 साल गुजारे हैं, बहुत अच्छे गुजरे हैं, यहाँ के मतलब दोस्त भी बहुत अच्छे बने हैं और यहाँ से बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है यहाँ का। अब जाते हुए अफसोस भी हो रहा है कि यहाँ से जा रहे हैं, अब 2 साल गुजरने का पता ही नहीं चला कैसे गुजरे हैं। गोहर बस यही कि ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में एक ये अरसा भी था कि जो मैंने अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे। बहुत अच्छा टाइम गुजरा। पढ़ाई के हवाले से कुछ बताएंगे, मुस्लिम कॉलेज की क्या पढ़ाई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पढ़ाई के हवाले से बस यही कहेंगे कि आप हर साल हमारे कॉलेज का रिजल्ट देख लिया करें, मुल्तान के सबसे अव्वल फहरिस्तों में हमारे रिजल्ट। आप मुतमिन हैं मुस्लिम कॉलेज की पढ़ाई से? बिल्कुल बेशक। इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया तो सबसे अच्छी है, बहुत जबरदस्त। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला और मैं यहाँ से 7th से पढ़ रहा हूँ और मैंने इस जैसा इदारा पूरे पंजाब में कहीं पर नहीं देखा। मैं इस्लामाबाद भी पढ़ा हूँ लेकिन इम्तियाज़ साहब ने जो मैनेजमेंट की हुई है ज़बरदस्त, इस जैसा कोई इदारा नहीं है पंजाब में। मैं कहता हूँ ऑल ओवर द पाकिस्तान, मैंने पंजाब के कॉलेजेस देखे हैं लेकिन मुस्लिम कॉलेज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो रिज़ल्ट है वो तो हम जो 12 डेज़ का होता है रिज़ल्ट, वो तो हर साल डील होता रहता है, और जो बोर्ड का रिज़ल्ट है वो तो किसी से भी नहीं छुपता, वो बहुत आउट क्लास आता है, 1 पोजीशन इन एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, इम्तियाज़ रशीद साहब। इम्तियाज़ रशीद साहब और बच्चों के साथ उनका जो रवैया है वो बहुत ही अच्छा है। सबसे मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ मैं तकरीबन 2-3 हॉस्टल्स में पढ़ूँ, लेकिन जो प्रिंसिपल ये हमें मिले हैं रशीद साहब, इम्तियाज़ रशीद साहब, इन जैसे मैंने आज तक प्रिंसिपल नहीं देखा है। बाकी रहेगी इंतज़ामिया, जिशान साहब हो गए, इम्तियाज़ साहब हो गए, प्रोफेसर हो गए, कमाल के प्रोफेसर हैं यहाँ। आपने जितना अरसा यहाँ पे पढ़ा, आप अपनी पढ़ाई से मुतमिन हैं? मैं इंशाल्लाह अपनी पढ़ाई से मुतमिन हूँ, मुझे तकरीबन यहाँ 2 साल हो गए हैं लेकिन बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। अब आप जा रहे हैं आगे जो है ना मुस्लिम कॉलेज को छोड़कर? जी बिल्कुल, छोड़ के जा रहे हैं लेकिन फिर आते रहेंगे, इससे हमारी बहुत सारी यादें वाबस्त हैं। अच्छा, अच्छा टाइम गुजरा है आपका यहाँ पे जो है ना? बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ है, ये एक मिसाली टाइम गुजरा हुआ है, इसे हम याद करेंगे।
इम्तियाज साहब के बारे में क्या कहेंगे? इम्तियाज साहब बहुत अच्छे हमारे लिए, उन लोगों ने आज पार्टी का रेन किया, नहीं तो कोई ऐसे नहीं करता। उनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। ये पंजाब का ऐसा अदारा है जिसकी जहाँ हम कहीं कभी पढ़ते नहीं थे, यहाँ आन के हमें पढ़ने का साहस हुआ, एक जाने की खुशी भी है। हम ये इस अदारे से बहुत मुतमिन है, इस जैसा अदारा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर अच्छा तरबियत है, मेस है, स्टाफ है, सबसे ज़्यादा हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, वो हर चीज़ का हमारा ख्याल रखते हैं, फिर हम उससे बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच।